दोस्तों मेरे सामने कपल बैठे हैं जिनके शादी करीब 5 साल हो चुके हैं और अभी भी उनको प्रेगनेंसी नहीं ठहरा है। तो प्रेगनेंसी न ठहरने कई कारण होते हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट कारण कई कपल में होता है कि वो लोग रेगुलर जो एक फॉर्मेशन टाइम होता है उस दौरान मिलते नहीं हैं, कोई हस्बैंड दूसरे शहर में रहते हैं। तो ये लोग क्या होता है कि ये लोग मिलते हैं 15 दिन में एक बार, हस्बैंड वाइफ मिलते हैं, और अक्सर जब मिलते हैं ये लोग पीरियड ख़त्म होने के बाद प्लान करते हैं कि मिलें। तो इसका तो कि जो एक फॉर्मेशन टाइमिंग इनको नॉलेज नहीं है। तो आज आप बताऊंगा कि नॉर्मली वेमेन के अंदर एक कब बनता है और कब मिलने से प्रेगनेंसी चांस बढ़ते हैं। तो आप सब जान लो कि नॉर्मली वेमेन क्या होता है कि अगर वेमेन का 28 डेज पीरियड है तो उसका अंडा जो बनेगा एक बनेगा, पीरियड जिसे स्टार्ट होता है उसे फर्स्ट काउंट करते हैं, तो पीरियड स्टार्ट के 14 डे में एग रिलीज होगा। और वेमेन का एग जो है सर्वाइव करता है एग रिलीज होने के बाद 24 आवर, जबकि स्पर्म एक बार वेमेन बॉडी में डिस्चार्ज होने के बाद ये सर्वाइव करता है 48 आवर। तो अगर कपल चाहता है प्रेगनेंसी हो तो उनको क्या है कि 14 डे पीक टाइम होता है मिलने के लिए, जब चांस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत मैक्सिमम होती है, और कभी कभी अंडा 2 या 4 दिन पहले रिलीज होता है या कभी अंडा 2-4 दिन बाद रिलीज होता है, ये साइकिल कभी वेरी करती है। तो अगर 28 डेज की वाइफ की साइकिल है और चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो तो आपको मिलना स्टार्ट करना पड़ेगा 10 डे पीरियड के 10 डे से मिलना स्टार्ट करना पड़ेगा, आइदर डेली या एक दिन छोड़ करके। तो स्टार्ट 14 डे 4 डे कम कर लीजिए तो 10 डे हो गया, और 14 डे 4 दिन बढ़ा लीजिए तो 18 डे हो गया। तो आपको पीरियड आने के 10 से लेकर 18 डे के बीच में रेगुलर या एक दिन छोड़ के मिलना होगा। पहली बात, ड्यूरिंग मिलने के समय कोई भी आपको लुब्रिकेंट जैसे ऑयल या कोई मार्केट में KY जेली लुब्रिक जेल आती कोई वो यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई भी लुब्रिकेंट यूज करेंगे तो स्पर्म की मोटिलिटी डाउन हो जाती है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। थर्ड, आफ्टर मीटिंग हस्बैंड मिलने के बाद अगर स्पर्म बाहर आ जाता है तो उसे कोई प्रेगनेंसी दिक्कत नहीं आती, बिकॉज जो वॉल के अंदर जो स्पर्म जो चिपके होते हैं उसके अंदर करोड़ों स्पर्म होते हैं, वो स्पर्म मोटा स्पर्म थ्रू सर्विक्स यूट्रस एंटर करके और ट्यूब में जाके बेबी को एक को फर्टिलाइज करते हैं। तो अगर सीमेन आफ्टर मिलने के बाद बाहर आया तो उसकी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके वेजाइनल वॉल में काफ़ी स्पर्म चिपके रहते हैं जो जाके पेनिट्रेट करने के लिए वेमेन एक पेनिट्रेट करके प्रेगनेंसी लेके वो इनफ है। फोर्थ बात, और किसी वेमेन का पीरियड 30 डेज में आता है तो देखा गया कि अगर हर दिन 30 डे में आ रहा तो नॉर्मली ऐसे लोगों का पीरियड 2 दिन लेट आता है, तो मान लो 30 डे पीरियड आ रहा तो उसका अंडा निकलेगा 16 डे, और किसी पीरियड 32 डेज में आ रहा तो उसका पीरियड अंडा निकलेगा 18 डेज में। तो जितना पीरियड साइकिल लंबा होता है उतना अंडा थोड़ा सा लेट निकलता है। तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिला आपका कि हस्बैंड कब मिलना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी चांस बढ़े।